श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रो अभि चतुर्वेदी में। मैं अभिषेक चौबे आज लेकर आया हूँ लव राशि फल कुंभ राशि के लिए 2023 के तीसरे मंथ का। तीसरा मंथ तो आप समझ ही गए होंगे, मार्च का महीना, जिसमें कि चार बार ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं और लास्ट में भी बुध एक बार राशि परिवर्तन भी करेंगे, तो उसे हम पाँच बार भी कह सकते हैं, जिसमें कि शुक्र का राशि परिवर्तन करना बहुत ही खास रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपके द्वितीय भाव से तृतीय भाव में जाएंगे, मतलब कि मीन राशि से लेके मेष राशि में जाएंगे, ठीक है, तो ये आपके लिए खास हो गया। सेकंड नंबर बुधदेव राशि परिवर्तन करेंगे, सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे, वहीं मंगल भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं और चंद्रमा तो वैसे ही सवा दो दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं, बहुत खास हुआ ना आपके लिए लव राशि फल। चलिएगा हम मेन टॉपिक पे बात करते हैं, उससे पूर्व हम आपको बता दें ये जानकारी हम गोचर के अनुसार दे रहे हैं, साथ ही चंद्र राशि के आधार पे दे रहे हैं। अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तब आप अपने नाम राशि से देख व सुन सकते हैं, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लव राशि फल है। आपको बता दें अगर आप पहली बार चैनल पर आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसका रीज़न हम आपको बता दें, काफ़ी लोग बोलते हैं सर आपकी फेवरेट राशि है कुंभ और मैं काफ़ी वीडियो डालता रहता हूँ, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे, तो जाहिर सी बात है आपको बहुत जल्द जल्द वीडियो मिलती रहेंगी और सत्यता जो होती है वही आपको बताया जाता है। यहाँ तक कि आप हमारे किसी भी वीडियो में देख लीजिए आपको कोई बैड कमेंट नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि हम कुछ किसी को गलत नहीं बताते, किसी को मिसगाइड नहीं करते हैं, जो सत्य होता है हम वही बताते हैं और हम कहते भी हैं अगर सत्य सुनने की क्षमता रखते हो तभी हमारी वीडियो देखना और हमसे संपर्क करना, अन्यथा कहीं और चले जाना मुझे नो प्रॉब्लम। हम आप लोगों से एक और निवेदन कर रहे हैं, जो लोग कॉल करते रहते हैं हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है भैया कॉल मत किया करो, मैं कॉल से परेशान हो जाता हूँ, मेरे पास डेली 400-500 कॉल आते हैं, मैं 80% तो कॉल रिसीव नहीं करता हूँ, 20% कर भी लेता हूँ तो मुझे गुस्सा आता है, ठीक है, अब जाहिर सी भाई बात है भाई, अब लगातार किसी का फ़ोन बजता रहे तो गुस्सा नहीं आएगा क्या, मुझे भी आ जाता है, इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग कॉल ना करके सीधे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, 24 घंटे आपको वहाँ रिप्लाई मिलेगा, ठीक है, तो आप वहाँ कर सकते हैं। आपको अगर हमारा प्रोसीजर पसंद आए तब आप संपर्क करना, अन्यथा मत करना, नो प्रॉब्लम, फीस जरूर लगती है बट सत्य बताया जाता है। अब लोग कह रहे होंगे सर आप बार बार फीस के लिए क्यों बोलते हो, इसका रीजन यही है, जो मूर्ख होते हैं ना उनको मूर्ख ही कहेंगे, 500 बार मेरे पास आज तक यही कॉल आते हैं कि सर आपने कहा था वीडियो में कोई फीस नहीं लगती है, हमने किसी भी वीडियो में ऐसा नहीं कहा, बताओ फिर भी वो लोग ऐसा बोलते रहते हैं तो मुझे गुस्सा आता है, इसलिए मुझे ये बात बार बार बोलनी पड़ती है, आप लोगों को बुरा लग रहा हो क्षमा करना, ठीक है। चलिएगा हम मेन टॉपिक पे बात कर लेते हैं, आप अगर सिंगल हैं तो खुश हो जाइए, इसका रीजन है आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति आने वाला है मार्च के महीने में, किसी भी राशि का क्यों ना रहे, अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे आपकी रिश्तेदारी हो, चाहे फ्रेंड सर्कल में हो, बेझिझक आप उन्हें प्रपोज कर दीजिए, आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर कुंडली में दिक्कत नहीं है, कुंडली में दिक्कत समझ रहे हो ना, पंचम भाव आपका पीड़ित नहीं है, पंचम भाव पे शनि की दृष्टि नहीं है, शनि बैठे तो नहीं है, राहु की दृष्टि तो नहीं है, राहु तो नहीं बैठे, यही अष्टम भाव के साथ तो कंडीशन नहीं है, और उनकी अंतरदशा या प्रत्यंतरदशा में पाप ग्रह तो नहीं चल रहे, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है कि आपकी लाइफ में कोई ना आए, ठीक है। सेकेंड नंबर 15 तारीख के पहले पहले करना है आपको, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, आप मैरिड हैं या फिर आपका पार्टनर मैरिड है, तो आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के साथ इस समय एक्टिव नजर आएगी, आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको प्रेम देगा इस समय, ठीक है। वहीं आप 15 तारीख के बाद सावधानियां बरत लेना, विशेषकर मैरिड लाइफ में, अगर आप अफेयर में रहते हो और आप वैवाहिक जीवन मतलब शादीशुदा हो तो फिर सावधान हो जाना, ठीक है, नहीं तो आप पकड़ सकते हो। अब बात कर लेते हैं जो लोग किसी से प्रेम करते हैं काफ़ी ज़्यादा शिद्दत से, देखो जाहिर सी बात है आपकी कुंभ राशि है, आप तो शिद्दत से ही प्रेम करते हो, किसी से करते हो, जिससे जुड़ते हो उससे बहुत ही शिद्दत से जुड़ते हो, आप लोग दगा नहीं करते हो, लेकिन प्रायः देखा जाता है आपको धोखा मिल जाता है, शायद आपको भी धोखा मिला होगा, है ना। आपको अगर धोखा मिला है तो आप परेशान मत होइए, आपके पास आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ नहीं है, उसका नाम और फोटो है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, हम बिल्कुल उसके अनुसार बता देंगे, ठीक है। और हम और लोगों की तरह पूजा नहीं बताएंगे, ये पूजा करवा लो वो पूजा, आपका पार्टनर आ जाएगा, हमारे यहाँ ये नहीं बताया जाता, एक बार में ही बता दिया जाता है, जो बताया जाएगा वो सत्य ही होगा आपके साथ, ठीक है। अगर आप
का कोई छोड़ के चला गया है, किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया है या नो कांटेक्ट में है कई साल से, और आप चाहते हैं कि वो वापसी करे। अगर ना सात राशियों का पार्टनर होगा तो 100% मार्च के महीने में वापसी करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। वैसे पहली राशि जिस राशि को मेष राशि बोलते हैं, दूसरे नंबर की राशि जिस राशि को मीन राशि बोलते हैं, तीसरे नंबर की राशि जिस राशि को कन्या राशि बोलते हैं, चौथे नंबर की राशि वृश्चिक राशि है, पाँचवें नंबर की राशि तुला है, पाँच राशियों के पार्टनर तो होगा। दो राशियाँ और हैं, एक तो आपकी कुंभ राशि है, दूसरे नंबर की राशि आपकी कर्क राशि है। सात राशियों के एक्स आपके कभी भी गए हों और किसी भी कारण से क्यों ना गए हों, ये 100% वापसी करेंगे और आप पूर्ण शिद्दत से वापसी करेंगे, ठीक है। अब ये भी आपको धोखा नहीं देंगे, लेकिन भैया एक चीज़ याद रख लेना, आप पुनः इनको पहले की तरह स्थान मत दे देना, क्योंकि अबे उस लायक है नहीं, उस स्थान लायक। पता क्या होता है, आप इन लोगों को ज़्यादा वो दे देते हो, मतलब छूट, आप ये सोच लेते हो कि भाई इनके बिना हम जी नहीं पाएंगे, उन्हें ये एहसास जब हो जाएगा उसी समय वो आपको धोखा देते, तो आपको अब उन्हें ऐसा एहसास नहीं होने देना है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। नहीं तो पता चले फिर वो किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में पड़ते हैं, तो आप इस समय ध्यान रखें। सेकेंड नंबर, जो लोग जिनकी कुंडली में थोड़ी बहुत भी दिक्कत है, उनके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ जाएगी, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाएगी और आपको थर्ड पार्टी का पता भी लग जाएगा, शायद इसके पहले भी आपको पता लग गया हो, तो उसके चलते आपका पार्टनर आपको छोड़ भी देगा। ये आपके लिए मैं बता रहा हूँ जिनकी कुंडली में थोड़ी बहुत भी दिक्कत है, ठीक है। तो आप अगर चाहते हैं कि वो ना छोड़े, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अगर कोई गुंजाइश हो कि वो ना जाए, तो उसके लिए हम आपको उपाय बता सकते हैं, अगर कुंडली में थोड़ी बहुत भी गुंजाइश होगी, ठीक है। सेकंड नंबर, कोई आपको अगर बड़े बड़े वादे कर रहा है तो क्या वो सत्य कर रहा है, उसका भी अगर आप चेहरा सटीक जानना चाहो तब आप संपर्क कर लेना, हम आपको बता देंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, अगर आप किसी के साथ मतलब नए जुड़े हैं या फिर नई आपकी शादी हुई है, तो आप अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर जा सकते हैं लॉन्ग ड्राइव पे, ठीक है। सेकंड नंबर, आपकी धार्मिक यात्राएं भी यहाँ पर हो सकती हैं, पारिवारिक समस्याएं थोड़ी बहुत देखने को मिलेंगी आपके पार्टनर की लाइफ में, जिसके चलते आपका पार्टनर थोड़ा सा मतलब छोटी छोटी बात को लेकर तनाव में या फिर चिड़चिड़ापन करना, वो स्थिति भी देखने को मिलेगी आपको, ठीक है, मार्च के महीने में। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, आप अपने पार्टनर के साथ अपना कोई फास्ट का जो भी आपका रहा हो, चाहे किसी लड़का से हो या लड़की से हो या किसी से, वो शेयर मत करना, चाहे मैरिड लाइफ में हो चाहे आपके लव लाइफ में, ऐसा आप बिल्कुल भी मत करना, इस समय आप छुपा के रखना है इस बात को, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। चलिएगा, आज हम आपको इतनी ही जानकारी देंगे, कल पुनः मिलेंगे नई वीडियो के साथ। उससे पूर्व हम आपको बता दें, ये जानकारी हमने गोचर के अनुसार दी है, सटीक जानकारी के लिए आप पर्सनल ही संपर्क करें, अगर आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से और आप हमसे इंस्टाग्राम पे अगर जुड़ना चाहें तो एस्ट्रो अभी चतुर्वेदी के नाम से सर्च कर सकते हैं, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, जय श्री कृष्णा, जय श्री।